नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। भाजपा की गुंडागर्दी पर बर्बरता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बोले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। डलहौजी में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए लगा रहे दमखम, दूरदराज क्षेत्रों में कर रहे कार्यक्रमों का आयोजन। बैजनाथ में गद्दी समुदाय के लोगों ने निकाली आक्रोश रैली, मुख्यमंत्री के विरुद्ध की जमकर नारेबाजी। समुदाय का कहना, लाठीचार्ज एक निरंकुश शासक की पहचान। और क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में सुबह करीब 4:30 बजे हुआ हादसा, अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरी 95 वर्षीय महिला, हुई मौत। भाजपा की गुंडागर्दी बर्बरता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहना है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय उनके लिए सम्मानीय है, विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की गुंडागर्दी बर्बरता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा आक्रोश रैली के दौरान व गद्दी समुदाय को लेकर की जा रही राजनीति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा स्पष्ट किया कि गद्दी समुदाय उनके लिए सम्माननीय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि उन्होंने इस समुदाय को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की है। विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध करके कानून को अपने हाथ में लेने तथा शोर शराबा करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। विरोध करने के लिए शांति का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट आवंटन का आधार जीतने की क्षमता होगा, न कि नया पुराना चेहरा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कही। धूमल ने स्पष्ट किया कि चेहरा नया हो या पुराना, जो जिताऊ होगा पार्टी उसे ही चुनावी मैदान में उतारेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि टिकट आवंटन के लिए भाजपा में शीघ्र ही प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा तथा पार्टी हाईकमान द्वारा लिए गए टिकट आवंटन के निर्णय पर जो प्रश्न उठाएगा उसे पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने से गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट आवंटन में नई चेहरों को प्राथमिकता देने के मामले में इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उसमें जीतने की क्षमता है भी या नहीं, तथा उम्मीदवार का जिताऊ होना ही मुख्य आधार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि न तो लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में है और न ही शासकीय व्यवस्था पर उनका नियंत्रण रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय पर नियंत्रण रखने वाले एक समूह विशेष की वजह से पूरे प्रदेश में अव्यवस्था का आलम है तथा ऐसा लग रहा है कि प्रदेश को शासकीय व्यवस्था नहीं बल्कि माफिया व्यवस्था चला रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना हुआ है जिसने देवभूमि को पूरे देश में शर्मसार करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोर्ट केसों में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें न तो प्रदेश की चिंता है और न ही प्रदेशवासियों की। यही कारण है कि आए दिन नए नए कांड सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। डलहौजी से विधानसभा चुनाव की जंग शुरू होने से पहले भाजपा में टिकट के लिए जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। डलहौजी से भाजपा में अगले विधानसभा चुनाव के लिए कई दावेदार पैदा हो गए हैं और टिकट की दावेदारी में कई बड़े नेता जोर लगा रहे हैं। डलहौजी के नगर परिषद अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के लोकप्रिय भाजपा नेता मनोज चड्ढा भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डलहौजी से टिकट व चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का दमखम दिखा रहे हैं। डलहौजी के नगर परिषद अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के लोकप्रिय भाजपा नेता मनोज चड्ढा ने दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सक्रियता बढ़ा दी है और दूरदराज क्षेत्रों में बूथ स्तर तक बीजेपी को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार व डलहौजी की विधायक की नाकामियों व केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर गांव गांव घूम रहे हैं और अपनी टिकट के लिए हाईकमान को रिझाने में लगे हैं। इस दौरान मनोज चड्ढा ने कहा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरा हिमाचल विकास को लेकर बहुत पिछड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत के साथ हिमाचल व डलहौजी को भी कांग्रेस मुक्त करना है। इस दौरान चड्ढा ने लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी बताया। सबका साथ सबका विकास है ना, ये नारा, ये बढ़िया नारा, सभी जो करने लेके जाना,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। 60 ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਫੜੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇ ਇਹ ਘੜੀ ਚਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਕੀਲਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਗਈ। आप समझ रहे हो कितनी खोखली पार्टी हो रही है, और वो क्यों हो रही है? वो कांग्रेस की नीतियों के कारण हो रही है। जाओ जाओ, वो कांग्रेस की नीतियों के कारण हो रही है। कांग्रेस की नीति क्या रही है? परिवारवाद, चापलूसी, उन लोगों को आगे लाने की जो उन लोगों की जेब भरती, जो जनता का नहीं सोचते अपना सोचते, और उन्हीं लोगों को ठेकेदार बना दिया जाता है। सुकन्या योजना, सुकन्या योजना के आपको मालूम? सुकन्या योजना से योजना कि आपने अपनी बेटी के नाम साल में 1000 रुपया जमा कराना है 16 साल। बैठक में कार्यकर्ताओं को सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत जनधन योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि सभी योजनाओं को जन जन पहुंचाने पर चर्चा की गई। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पहले गद्दी समुदाय पर अमर्यादित भाषा, उसके उपरांत उन पर दमनकारी नीति अपनाते हुए निहत्थे व गरीब गद्दी लोगों पर लाठीचार्ज करवाने के विरोध स्वरूप गद्दी समुदाय के लोगों ने शनिवार को बैजनाथ बाजार में आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। रैली में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गद्दी यूनियन एवं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता गुगुल ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गद्दी यूनियन एवं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता गोकुल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की संस्कृति में गद्दी समुदाय का बहुत योगदान है तथा इस समुदाय ने प्रदेश की आर्थिकी को भी सुदृढ़ किया है। गद्दी समुदाय के लोग ईमानदारी व शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं तथा मेहनत मजदूरी का गुजारा करते हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उन पर पहले तो अमर्यादित टिप्पणी, उसके बाद दमनकारी नीति अपनाते हुए उन पर लाठीचार्ज एक निरंकुश शासक की पहचान है। जूठे साफ करके लोगों के अपने बच्चे पाल लेते हैं, पर भीख नहीं मांगते। हमारा पवाल दारू में रहता है, वो उसके अकेला होता है तो घर में कोई ट्रेजरी हो जाती है तो बेचारे वो घर में नहीं आ सकता, लकड़ी पाने तक नहीं आ सकता है। ये समुदाय हमारा, और हमारे समुदाय को इतनी बड़ी ठेस, ये सरासर गलत है, इसकी निंदा है। और जो धर्मशाला में जो लाठीचार्ज हुआ हमारे लड़कों के ऊपर, उसकी घोर निंदा करते हैं, और उनके जो केस बनाए उनको केस बांस लिए जाए, नहीं तो अन्यथा लोग सड़कों पर उतर देंगे, उसके जिम्मेवार राजा वीरभद्र होंगे। थैंक यू। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 6 बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर सत्ता के नशे में चूर हैं तथा आम लोगों की भावनाओं को आहत करना उनके लिए मामूली बात है, लेकिन प्रजातंत्र में ये बातें मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि वे 5 दिन के भीतर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तो गद्दी समुदाय के लोग मंडी से बैजनाथ, धर्मशाला, चंबा, भरमौर तक सड़कों में उतर कर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने से नहीं हिचकिचाएंगे तथा जिसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की होगी। जो जरूरत पड़ी है वो इसलिए पड़ी है कि हमारे जो प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमारे जो समुदाय की जो ठेस पहुंचाई है, जो हमारे समुदाय को जो पीड़ा दी है, उसके लिए ये लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगर सार्वजनिक राजा जी माफी नहीं मांगते हैं तो इससे भी ज्यादा आंदोलन मंडी से लेकर तो भरमौर, किन्नौर, बुजोल तक ये जाएगा काफला। तो मैं यही राजा जी को कहते हैं, आप 6 बजे मुख्यमंत्री बने हैं तो किसी जाति को ठेस मत बजाओ। और जाति थी उनके बारे में क्यों नहीं कहा गया? हमारी जाति में क्यों कहा गया कि ये छोटा सा समुदाय है, गरीब समुदाय है, और हमारी जाति में एक बड़ा ये है, अभी कभी भीख नहीं मांगते हमारी जात है। जूठे साफ करके लोगों के अपने बच्चे पाल लेते हैं पर भीख नहीं मांगते। हमारा पवाल इस अवसर पर भिखम राम, सुरेंद्र कपूर, कमल कपूर, विकास कपूर, पवन ठाकुर व अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC, preparation since 2000. Specific coaching starts for
एचपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट, बैंक, पोस्ट ऑफिस क्लर्क्स टेस्ट, टीजीटी आर्ट, साइंस टेट, जेबीटी आर्ट साइंस। कोचिंग डिवीजन पडल टाउन मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्टेड फॉर आल्सो प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निकल कॉलेज लोकेटेड एट बिजनी मंडी इन द ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोविजन फॉर ऑल कैटेगरीज सो प्लीज कॉन्टैक्ट 01905-2377-60-94180-25164-94189-35003। मंडी शहर के सौंदर्यकरण पर 28 करोड़ की धनराशि को खर्च किया जा रहा है, ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने दी। अनिल शर्मा शनिवार को गर्ल्स स्कूल मंडी में अंडर 19 स्कूली छात्राओं की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। शनिवार को गर्ल्स स्कूल मंडी में अंडर 19 स्कूली छात्राओं की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ अनिल शर्मा ग्रामीण विकास मंत्री ने किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी शहर के सौंदर्यकरण पर 28 करोड़ की राशि को खर्च किया जा रहा है, जिसमें से अधिकतर कार्य हो चुका है और बाकी कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जब भी शहर में कोई नया काम शुरू होता है तो राजनीतिक दृष्टि से उसका विरोध होता है। अनिल शर्मा ने कहा कि सभी को एकजुटता के साथ शहर के विकास पर काम करना चाहिए और जो भी विकास के कार्य हुए वे हो रहे हैं, उसका जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। 28 करोड़ रुपए की हमें टूरिज्म के माध्यम से मंडी शहर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो टाना का जो सौंदर्यकरण हो, चौहट्टे का सौंदर्यकरण हो, और बॉय स्कूल के अंदर बहुत पुराना भवन था, उस पुराने भवन को हमने दोबारा से जो है वैसा ही निर्माण करने का लगभग 5 करोड़ का खर्चा उसमें हो रहा है। और इसलिए प्रभु जनता है हमारी इस प्रदेश की, और इस प्रदेश की और मंडी शहर की प्रभु जनता हमारा एक रिश्ता ऐसा बन चुका है। वर्षों से हम इस चुनाव क्षेत्र का पंडित सुखराम जी इसको देखते रहे, आज मुझे मौका मिला है इसको काम करने का। हम आभारी हैं इस यहाँ की जनता के कि एक ऐसा वातावरण हमने देने का प्रयास किया है, जिस वातावरण के अंदर ये छोटी काशी को हम एक सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया गया है तथा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में खेल मैदानों का भी निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि बग्गी तुंगल में 80 लाख रुपए की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिल सके। इस मौके पर अनिल शर्मा ने गर्ल्स स्कूल में संगीत कक्ष स्थापित करने का भरोसा भी दिलाया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो हमारी बेटियों की है, इसको मैंने मॉडर्न स्कूल के हिसाब से इसी को चुना है जो कि हमारा कोटली है, मंडी का गर्ल्स स्कूल है। विधायक के माध्यम से चुना जाता था, परंतु विधायक ने मैंने महसूस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ जो हमारी हैं वो गर्ल्स स्कूल के अंदर हैं, और इसलिए जो है यहाँ पर भवनों का निर्माण करने की बात हो, म्यूजिक जो रूम बनाने की बात, उन्हें ठीक कहा प्रिंसिपल साहब ने, अलग से कमरा होना चाहिए। हमारे पास स्पेस अवेलेबल है और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि अलग से कमरे का निर्माण हो। खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदर खंड के 19 स्कूलों से आई 280 छात्राएं भाग ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चैल चौक में गोहर और चैल चौक व्यापार मंडल तथा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह से मुलाकात की और उनसे सिविल अस्पताल गोहर में तैनात चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन ठाकुर का तबादला करने का विरोध जताया। वहीं ठाकुर ने आश्वासन दिया कि सिविल अस्पताल गोहर में चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन ठाकुर की स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि नागरिक चिकित्सालय गोहर में तैनात चिकित्सा विशेषज्ञ का स्थानांतरण नहीं होने दिया जाएगा। ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि सिविल अस्पताल गोहर में चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन ठाकुर की स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि गोहर सिविल अस्पताल के अधीन करीब 100 पंचायतों की हजारों की आबादी चिकित्सा सेवाएं ले रही है, मगर यहां सरकार ने प्रतिनियुक्ति आधार पर MD की अस्थायी तैनाती की थी, जिसके बाद सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए MD का स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए थे। मैंने कह दिया है कि यहाँ डॉक्टर की, जो मैंने अपने कह दिया कि डॉक्टरों की तैनाती कर जाएगी, मेडिकल स्पेशलिस्ट आप यहाँ लगाए जाए, जिन लोगों की मांग है उस मांग को पूरी की जाए।
वहीं सभी ने स्वास्थ्य मंत्री से मिले आश्वासन की सराहना की और स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। मैं ठाकुर साहब का स्पेशली थैंक्स करता हूँ गोर की तरफ से, ग्राम पंचायत गोर की तरफ से, व्यापार मंडल गोर की तरफ से और व्यापार मंडल चाचौक की तरफ से। हमारा एक डेप्टेशन आया था, कम से कम 200 लोगों का डेप्टेशन निर्णय आया था ठाकुर साहब सिंह के पास। जो डॉक्टर रोशन है MD है, उनका जो स्थानांतरण यहाँ से हो गया उसको रद्द करने के लिए हमने आज डेप्टेशन ठाकुर सिंह के पास रखा है और ठाकुर साहब ने हमारी बात मांग भी दी। इस चीज़ के लिए हम स्पेशली धन्यवाद करते हैं, समस्त जनता उनकी आभारी रहेगी। मैं ठाकुर कौल सिंह का धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने हमारी मांग स्वीकार कर ली। हमें यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी होती थी, इसलिए हमें मंडी जाना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था। जो डॉक्टर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे, उन्होंने हमारी मांग मान के उनको वापस रख लिया, तो हम उनका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हालांकि इससे पूर्वी क्षेत्र के लोग विशेषज्ञ की स्थायी तैनाती को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले भी थे, लेकिन उसके बाद भी तबादला आदेश जारी करने पर शुक्रवार को फिर स्थानीय लोगों ने शैल चौक में कौल सिंह से मुलाकात कर MD डॉक्टर रोशन ठाकुर की स्थायी नियुक्ति की मांग की। टे चैनल के लिए शैल चौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के मंडी दौरे की तैयारियों को लेकर शनिवार को मंडी स्थित गांधी भवन में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने की। शनिवार को मंडी स्थित गांधी भवन में कांग्रेस कमेटी की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने की। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के मंडी दौरे को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में सभी पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि मंडी के व्यास सदन में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस के संगठनात्मक जिलों मंडी और सुंदरनगर के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरे को सफल बनाने के लिए जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, इस बैठक को सफल बनाने की रणनीति तय की गई और इसमें जो जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी थे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष थे, ये सभी शामिल हुए और इनको हमने जिम्मेवारियाँ दी कि कौन कौन सी कमेटी में कौन होगा। और इस दौरे के जो दृष्टिगत, इसमें जो जिला कांग्रेस कमेटी संगठनात्मक जो जिला है सुंदरनगर, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और इसमें जो आगामी जो रूपरेखा होगी, जो चुनावी जो सरगर्मियां प्रदेश में हुई है उसकी रूपरेखा उस मीटिंग में तैयार की जाएगी और ये हमारी जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का सम्मेलन होगा जो 18 तारीख को ब्यास सदन में हमने तय किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC, प्रिपरेशन सिंस 2000। स्पेसिफिक कोचिंग स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल टेस्ट, बैंक, पोस्ट ऑफिस क्लर्क्स टेस्ट, TGT-ART, साइंस टेट, JBT, आर्ट साइंस। कोचिंग डिवीजन पडल टाउन मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्टेड फॉर आल्सो प्रोदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निकल कॉलेज लोकेटेड एट बिजनी मंडी, इन द ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोविजन फॉर ऑल कैटेगरीज। सो प्लीज कॉन्टैक्ट 01905-2377-60, 94180-25164, 94189-35003। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। घटना शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 95 वर्षीय काली देवी कुल्लू की रहने वाली थी और फ्रैक्चर के कारण जनरल हॉस्पिटल मंडी के ऑर्थो वार्ड में उसका उपचार चल रहा था। 10 अगस्त की शाम को ही महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मृतका के परिजनों ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसके अनुसार सुबह सभी नींद में थे और महिला उठकर खिड़की के पास चली गई। यहां से महिला नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। घरवाले भी थोड़ी देरी साथ में थे और इसका एक जो दोता है
वो साथ में ही लेट गया। इन बिटवीन उनकी आंख लग गई, उसके बाद पता नहीं माता जी ने क्या बाई मिस्टेकन उन्होंने देखा ये रास्ता होगा और जो दीवार के साथ ही जो बिल्डिंग है उसमें खिड़की थी, तो वो खिड़की से बाहर निकल गए और नीचे मंजिल पे जा गिरे। और बाद में जब उनके नींद खुली घर वालों की, तो उन्होंने देखा कि और तलाश लगे करने, तो थोड़ी देर में देखा उन्होंने कि वो वहाँ पे गिरे हुए नीचे। वहीं सिटी चौकी प्रभारी एसआई मनोज कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और परिजनों का बयान दर्ज किया। परिजनों ने किसी पर कोई संदेह नहीं जताया है और इसे एक हादसा ही बताया है। एसआई मनोज कुमार के अनुसार मामला दर्ज करके और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मामले की छानबीन जारी है। बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के फोटोग्राफ करके जो फॉर्मेलिटी है इसकी कार्रवाई जो हमने प्रोसीडिंग 174 सीआरपीसी के अंदर प्रोसीडिंग करके इसका पोस्टमार्टम करा के जो बॉडी हैंड ओवर कर दी है घर वालों को, तो इसमें कोई भी ये मैजिक हादसा है मतलब अचानक 95 ईयर ओल्ड लेडीज थे और वो एक्चुअली हॉस्पिटल ही आना चाहते थे। पहले इनका ये था कि मैं हॉस्पिटल में इलाज ना करूँ, घर वालों को बोल रहे थे कि घर ले चलो, तो ये अचानक ही हुआ। इसमें कोई ऐसा किसी का कोई घर वालों को कोई इसमें शख्स हुआ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट केशरल। अभिलाषी यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने चैल चौक स्थित अभिलाषी यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अभिलाषी यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों और स्टाफ सदस्यों को दी जा रही सुविधाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की और विश्वास जताया कि भविष्य में अभिलाषी यूनिवर्सिटी प्रदेश की नंबर एक यूनिवर्सिटी बनकर उभरेगी। कौल सिंह ठाकुर चैल चौक स्थित अभिलाषी यूनिवर्सिटी के सभागार में उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इससे पहले कौल सिंह ठाकुर ने अभिलाषी शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे चैल पब्लिक स्कूल में 1,50,00,000 रुपए की लागत से बने विज्ञान भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने यहां पर आयोजित रक्तदान शिविर में आए सभी रक्तदानियों का आभार भी जताया। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर आर के अभिलाषी ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, साथ ही आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। कौल सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न विषयों में डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक के कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभिलाषी शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर चुके छात्र आज राजकीय तथा गैर राजकीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। उन्होंने अभिलाषी शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आज मेरा सौभाग्य है, पहली बार अभिलाषी यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला और मैं बहुत प्रभावित हुआ। यूनिवर्सिटी में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके की सुविधा यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रोवाइड की गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, मुझे पूरा विश्वास है अभी तो दिस यूनिवर्सिटी इज इन फैंसी और अभी फैंसी में है तो इतना अच्छा कार्यक्रम है। अभी 4-5 साल के बाद देखेंगे ये यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश की एक सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्य के गठन के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 5 विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं तथा 1 मेडिकल विश्वविद्यालय भी शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट केशरल। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए केशरल।